पहले वापस से समझाए, नहीं मान रहे तो थाने में रिपोर्ट कराएं। घर में टेडी बियर रख सकते हैं? क्या टेडी बियर घर में रख सकते हैं? अगर इसकी आंखों पर टेप लगा दें तो फिर रखना कैसा है? और क्या इसके पास होते हुए नमाज हो जाएगी? बिन तहवा दुबई से। तस्वीर वाली कोई भी चीज़ अगर उस कमरे में इज्जत एहतराम के साथ कहीं रखी हुई है तो उस कमरे में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, गुनाह है नमाज पढ़ना उसमें। लेकिन अगर वो ऐसे रुल रही है ज़मीन पर, उल्टी ऊंधी सीधी पड़ी हुई है, तो फिर नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह, ये नमाज मकरूह नहीं होगी। रहा ये मसला कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं इनमें तस्वीर वाले खिलौने, तो ये भी सही बात, सही कॉल यही है कि ये भी नाजायज़ है, क्योंकि तस्वीर की ममानात पर इतनी शदीद अहादीसें हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है, जब वो छोटी थी तो एक गुड़िया थी उनके पास। बाज़ उलमा ने इससे इस्तेदलाल किया है कि बच्चियों के लिए गुड़िया रखना जायज़ है या बच्चियों के जो छोटे खिलौने होते हैं, तो लेकिन जमहूर जो ख़ास तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी में जमहूर उलमा, वो इसके नाजायज़ होने के कायल हैं, इसलिए कि उस गुड़िया के बारे में हमें मालूम नहीं है कि उसकी पूरी आँख नाक कान थे या नहीं थे। जबकि तस्वीर के नाजायज़ होने के दलाइल बुखारी मुस्लिम के इतने शदीद हैं कि उन दलाइल के होते हुए सिर्फ़ एक हदीस जो जिसमें तावील की बहुत ज़्यादा तावील की गुंजाइश है उसमें, तो उसकी बेस पर उसूल और कायदा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बेहतर यही है कि जो खिलौने में तस्वीर है उसको भी आप मिटाएं, और भालू वालू इस तरह के खिलौने घरों में तस्वीर वाले रखना ये बहरहाल जायज़ नहीं है। तो इसमें सिर्फ आंखों पे टेप लगाना काफ़ी नहीं है, उसकी नाक और होंठों को भी मसह करें, तब चेहरा बिगड़ता है। तो कोई भी ऐसा कर दें, जला दें इतना हिस्सा कि उसकी तस्वीर मस्ख हो जाए, फिर वो रखना जायज़ होगा।